इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट्स, यानी कि गवर्नमेंट ने लोन तो ले लिया, अब लोन लेने के बाद वापस भी तो करना है, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट का वापस नहीं करना होगा। तो गवर्नमेंट कौन कौन से तरीके से लोन को वापस करने की स्ट्रेटजी अपनाती है, क्या क्या प्लान अपनाती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब एक खतरनाक स्थिति है। बेसिकली रेपुटेशन के अंतर्गत जिसने लोन लिया है वो देश अपने डेटर्स को, अपने क्रेडिटर्स को ये बोल सकता है, अपने लोन जिन्होंने लोन दिया उनको ये बोल सकता है कि भाई हम तो पैसा आपको वापस नहीं करेंगे। कई बार ये प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं करेगा, या कई बार कहता है भाई प्रिंसिपल अमाउंट हमसे ले लो, हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कोई भी देश अगर लोन देने वाले देश को जबरदस्ती कहता है कि हम लोन देंगे ही नहीं, आप कर लो हमारा कुछ, तो ऐसे देश की रेपुटेशन गिर जाती है, भविष्य में ऐसे देश को कोई लोन देगा ही नहीं, व्यापारिक संबंध खत्म हो जाएंगे, और ये खतरनाक स्थिति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया हो। इसका प्रयोग 1977 मतलब यूएसए ने भी किया है, सिविल वॉर आफ्टर 1970 रेवोल्यूशंस। इसके अलावा यूएसएसआर ने भी किया है। दिस मेथड फॉलोड बाय यूएसए आफ्टर द सिविल वॉर एंड बाय द यूएसएसआर आफ्टर 1970। सॉरी, ये मतलब है कि इसका प्रयोग यूएसए ने भी किया है, यूएसएसआर ने भी किया है। यूएसएसआर ने 1970 के बाद किया है और यूएसए ने इसका सिविल वॉर के बाद किया है। तो बच्चों रेपुटेशन के बारे में हमने आपको समझ लिया। इसके अलावा रिफंडिंग है। रिफंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैच्योर सिक्योरिटी विद न्यू सिक्योरिटी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2010 में लोन लिया था जिसको वापस करने का ऑब्लिगेशन करने की समय सीमा थी 2025, मान लीजिए 15 साल के लिए लोन लिया था। अब 2025 में गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन ले लेती है। यानी कि लोन चुकाने के लिए जब नया लोन ले लिया जाता है तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को या उस पूरे के पूरे तरीकों को हम बोलते हैं रिफंडिंग। यानी रिफंडिंग के अंदर क्या करता है कि गवर्नमेंट अपनी पुरानी ऑब्लिगेशन को चुकाने के लिए नए लोन ले लेता है, तो इसको बोलते हैं रिफंडिंग। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ लोन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो लोन आपने लिया है, जो लोन आपने हाई इंटरेस्ट रेट पर लिया है उसको लो इंटरेस्ट रेट पर लेके आना। यानी कि मान लीजिए सरकार ने क्या किया, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 100 करोड़ रुपए उधार लिया है। अब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट हो गया वो लीजिए 6% हो गया, तो इंडिया वर्ल्ड बैंक से कहेगी भाई आप 6% ले लो। अगर मान लो वर्ल्ड बैंक कहती नहीं हम तो 6% ले नहीं लेंगे, हमारा तो एग्रीमेंट 10% भी हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मार्केट से 6% लोन पर पैसा उठा लेगी और वापस कर देगी। तो इसका मतलब है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है महंगे से सस्ते पर आ जाना। इसके अलावा बच्चों बजटरी सरप्लस है। देखिए आमतौर पर सरकार डेफिसिट बजट अपनाती है, यानी कि खर्चा ज़्यादा कमाई कम। लेकिन अगर मान लीजिए कोई देश सीरियस क्राइसिस में फंस जाता है, उसकी देश की आर्थिक स्थिति खराब है, लोगों के पास पैसा नहीं है या पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन लोन देना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ समय के लिए सरप्लस बजट अपना सकती है। इसके अंतर्गत सरकार खर्चे करेगी कम और जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा वो ज़्यादा होगी, और जो फंड बचेगा उसको एक तरीके से डेट पेमेंट में लगा सकती है। हालांकि किसी भी देश के डेवलपमेंट करने के लिए यह बहुत ही खतरनाक प्लान है, क्योंकि जब खर्चा कम होगा, देश की सरकार के द्वारा खर्चा कम किया जाएगा तो जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो घट जाएगा और अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये तरीका बहुत ही सजेस्टेबल है, हालांकि गवर्नमेंट इसको अपना सकती है अगर उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए तब। इसके अलावा कंपलसरी रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसके अंतर्गत सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसके पास कोई दिक्कत आ गई है कि जी हम नहीं पेमेंट कर पा रहे, तो उसको कहेगी भाई हमारा इंटरेस्ट रेट गिराओ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। हालांकि ये सारे तरीके फाइनेंशियल क्राइसिस में ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एडिशनल प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कोई नया टैक्स लगा सकती है लोगों के ऊपर, जिसका मूल उद्देश्य जो होगा वो होगा डेट का पेमेंट करना। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नए नए टैक्सेस लगाने का प्लान करती है। यानी कि गवर्नमेंट ने स्पेशल एक टैक्स लगाया लोगों के ऊपर और गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि जो भी पैसा इस टैक्स के माध्यम से इकट्ठा होगा वो सारा का सारा डेट पेमेंट के लिए ही इसका यूज़ किया जाएगा, तो ये भी एक तरीका होता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा ईयर वाइज पार्शल रीपेमेंट। देखिए ईयर वाइज पार्शल रीपेमेंट का मतलब क्या है कि सरकार एक, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है ईयर वाइज पार्शल पेमेंट और एक है टर्मिनल एन्यूटी। पहले मैं आपको टर्मिनल एन्यूटी के बारे में समझा देता हूँ
और एक सिंकिंग फंड है, तीनों काफी सिमिलर है इसलिए आपको ये एक साथ ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल एन्युटी में क्या करते हैं हम कि सरकार क्या करती है, जैसे आप इंस्टॉलमेंट देते हो, इंस्टॉलमेंट मंथली होती है, टर्मिनल एन्युटी एनुअल होती है। यानी कि सरकार ने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का लोन लिया 20 सालों के लिए, तो गवर्नमेंट कह रही थी ठीक है जी हम आपको 10 करोड़ प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, या 5 करोड़ जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट प्लस 5 करोड़ आपको हर महीने पे कर दिया करेंगे, हर साल पे कर दिया करेंगे। तो ये कहलाता है टर्मिनल एन्युटी। यानी कि अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट पे ऑफ इट्स डेट्स ऑन बेसिस ऑफ टर्मिनल एन्युटी। बाय यूजिंग दिस मेथड द गवर्नमेंट पे ऑफ द डेट्स इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी कि हर महीने गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट बना लेगी और उस इंस्टॉलमेंट के माध्यम से पेमेंट करना शुरू कर देगी। ईयर वाइज पार्शल रीपेमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जितना उसके पास, देखिए इसमें तो इंस्टॉलमेंट हो गया एक तरीके से, जैसे 10 है तो उसको 20 से डिवाइड किया तो 5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट आ गई। पार्शली रीपेमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला, मान लीजिए कभी 10 लाख आया तो 10 लाख जमा करा दिया, 50 लाख आया तो 50 लाख दे दिया, 50 करोड़ आया तो 50 करोड़ दे दिया। यानी कि जो भी पैसा सरकार के पास आया, सरकार उस पैसे को जमा करा देगी किसके पास में, बोरोअर के पास में, यानी जिसने लोन दिया है उसके पास जमा करा देगी। इसके अलावा बच्चों एक सिंकिंग फंड होता है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, जब लोन लेती है तो लोन लेने के साथ साथ एक अकाउंट खोल देती है जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। बेसिकली सरकार इस फंड में पैसा जमा करती है और 20 साल मान लीजिए गवर्नमेंट को 20 साल बाद पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट को 20 साल इकट्ठा पेमेंट कहां से आएगा, तो गवर्नमेंट हर साल इस सिंकिंग फंड में कुछ पैसा जमा करती रहती है और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सारा का सारा पैसा उस जो जिसने लोन दिया उसको इकट्ठा दे दिया जाता है। यानी कि तीनों में क्या फर्क है, इसके अंतर्गत सरकार फंड बना लेती है सिंकिंग फंड नाम है और अपने सुविधा अनुसार उस फंड में पैसा जमा करती है, जिस समय मैच्योरिटी होती है उस फंड का पैसा निकालकर जिसने लोन दिया है उसको पेमेंट कर दिया जाता है। ईयर वाइज पार्शली रीपेमेंट के अंतर्गत जिसके सरकार के पास जो भी पैसा आता है, एक्स्ट्रा पैसा जो आता है, सरकार उसको अपनी सुविधा अनुसार लोन देने वाले को वापस करती रहती है और टर्मिनल एन्युटी में उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बना ली जाती है। इसके अलावा जो कैपिटल लेवी है, कैपिटल लेवी का मतलब है कि जो चीज़ें बहुत महंगी हैं, लग्जरी आइटम है, बहुत ही लग्जरी आइटम है, सरकार उन पर हैवी टैक्स लगा देगी क्योंकि सरकार ये मान के चल रही है कि लग्जरी टैक्स का प्रयोग, सॉरी लग्जरी गुड्स का प्रयोग अमीर व्यक्ति कर रहे होंगे और सरकार ने जो लोन लिया है उसका अधिकतर फायदा अमीरों को ही मिला होगा। तो इसलिए सरकार ऐसी चीज़ों को जिनका प्रयोग आम तौर पर बहुत अमीर लोग कर रहे होते उन पर टैक्स लगा देती है और इसका फायदा ये होता है कि जो भी टैक्स कलेक्शन होता है सरकार उसको वापस कर देती है उन लोगों को जिन्होंने टैक्स, जिन्होंने सरकार से, जिन्होंने सरकार को लोन दिया है। तो बच्चों ये सारे के सारे तरीके हमने डिस्कस किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।